स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू क्लास फोर्थ ई वी एस टूडे वी आर लर्न अबाउट सम ने आर द हाउस ऑफ बर्ड्स बर्ड्स जिसमें रहते हैं उस घर को हम नेट कहते हैं तो नेस्ट बनाने का तरीका डिफरेंट होता है हर बर्ड का कोई बर्ड्स टू लिव्स को जोड़ करके टू लीव, लिवस को जोड़ करके और फिर उसकी सिलाई करके और उससे बनाते हैं नेस्ट कुछ घास से बनाते हैं कुछ स्टिक्स का यूज करते हैं और अपने एग्स उसमें ले करते हैं ठीक है और वो एग्स को हैच करके वो अपने यंग वंस उसमें से बाहर लाते हैं तो कुछ बर्ड्स अपने नेस्ट बनाते हैं कुछ दूसरे बर्ड्स के नेस्ट को यूज करके उसमें एग्स देते हैं और फिर अपने यंग वंस लाते हैं वी रीड अबाउट दैम इन दिस टॉपिक बर्ड्स नेस्ट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू एग्स एक्स ले करने के लिए वो नेस्ट बनाते हैं एंड प्रोटेक्ट देयर बेबीज फ्रॉम एनिमीज और जैसे हमें हमारा घर थीव से और एनिमीज से बचाता है वैसे ही बर्ड्स के बेबीज़ को भी एनिमीज से बचाने में नेस्ट बड़ा हेल्पफुल होता है एंड एडवर्स कंडीशंस ऑफ वेदर ए नेस्ट कैन बी सीन ऑन ए ट्री ऑन टॉप ऑफ ए क्लिफ और इनसाइड होल इन द मड वॉल नेस्ट हमें सब जगह दिखाई देता है प्लांट्स के ऊपर ट्रीज़ की टहनियों के ऊपर मिट्टी की दीवारों के ऊपर तो डिफरेंट टाइप के नेस्ट होते हैं और ये बर्ड्स को डिफरेंट वेदर कंडीशन सीजन से भी बचाते जैसे ठंड से रेन से हॉट से और वाइंड से डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स बिल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट बर्ड्स विद इन द सेम स्पीसीज टेंट टू बिल्ड ए सिमिलर टाइप ऑफ नेस्ट बट द मटेरियल दे यूज मे वरी डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग हैबिटेट जैसे उनके आसपास की सराउंडिंग्स होती है बर्ड्स उसी से कुछ सामान लेती है और अपने नेस्ट को डेवलप करती है ए बर्ड्स टेलर बर्ड स्टिच लीव्स टूगैदर विथ थ्रेड वूल और कॉटन एक टेलर बर्ड होती है वो दो लीव्स को एक साथ में सिलाई करती है चाहे वो थ्रेड से करे, वूल से करे या कॉटन से करे द नेस्ट इज लाइंड विद कॉटन वूल एंड ड्राइड ग्रास टू कीप इट वार्म और फिर उसको अंदर से वूल से कॉटन से या ड्राई ग्रासेस से फिल कर लेती है एज दिस बर्ड सी विट्स नेस्ट इट इज कॉल्ड अ टेलर बर्ड ये अपना घोंसला सिलाई करके बनाती है इसलिए इसको हम टेलर बर्ड कहते हैं अ वुड पैकर वुड मीन्स लकड़ी लकड़ी तोड़ करके ट्री के ट्रंक के अंदर होल बना करके जब नेस्ट तैयार होता है वो नेस्ट होता है वुड पैकर का तो वुड पैकर अपनी बीक से पूरे ट्री के ट्रंक में होल कर देता है और उससे अपना नेस्ट रेडी करता है ए वुड पेकर मेक्स इट्स नेस्ट बाय ड्रिलिंग एंड पैकिंग ए होल इन ए ट्री ट्रंक विद इट्स शार्प बीक the hollow space is lined with chips of wood to make it cozy. और फिर उस होल के अंदर वो जो वुड उसने खरोच खरोच के निकाली थी उसी को वो फिल कर देता है जिससे वो अच्छा कोजी नेस्ट बन जाता है सॉफ्ट सॉफ्ट The पैंग simply collect a few pebbles and stones to make a nest on the ground. penguin पैंगविन तो जमीन के ऊपर स्टोन्स या छोटे छोटे से

नीचे जो बॉटम पे खुला हुआ बाड़ रहता है उसके अंदर से वो उसमें एंटर करती है और ऊपर चले जाती है देखो मैं आपको दिखाती हूँ दिस पिक्चर इज़ द बर्ड ऑफ वीवर बर्ड एंड दिस इज़ वीवर बर्ड का नेस्ट तो इसमें क्या है ये होल है यहाँ से वो एंटर करती है और यहाँ पे अपने एग्स ले करती है राइट अंदर की तरफ टनल शेप में होता है ये सुरंग जैसी बनी हुई होती है और यहाँ से अंदर घुस के यहाँ तक जाके फिर इधर आके फिर वो अपने एक्स ले करती है ये घास से बना हुआ है पूरा पेक्स और ग्रास से बनाती है ठीक है तो ये डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स होती है वो डिफरेंट टाइप्स के नेस्ट रेडी करती है दिस इज़ ऑनली इन दिस टॉपिक थैंक यू रीड इट एट होम